गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे उसी टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल आइडेंटिटीज। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल आइडेंटिटीज। ठीक है, कुछ स्पेशल कुछ मैथ है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला आइडेंटिटी है, इसमें तीन आइडेंटिटी है पूरा। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटी है इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको फॉर्मूला क्या होता है, जिसको फाइंड करिए, तो a प्लस बी दो बार लिखिए और इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। a में a से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a में b से, फिर b में a से, फिर b में b से मल्टीप्लाई कीजिए। तो a में गुना करना है a प्लस बी से, प्लस b में मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। इसका आपस में जोड़िए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए बी और ए बी कितना हो गया, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा आइडेंटिटी है हमारा, दूसरा आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उस तरह से इसको फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है, ये स्पेशल आइडेंटिटी, इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस तीनों आइडेंटिटी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी पर, इस पर पहला क्वेश्चन है थ्री एक्स प्लस टू वाई इंटू थ्री एक्स प्लस टू वाई। ये क्वेश्चन है, तो देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, ये फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, पहला तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, थ्री एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। जितने बार पावर आता उतने ही बार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सारा रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है, थ्री एक्स, तो इसका स्क्वायर करिए, थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होता है टू, फॉर्मूला से आता है, इंटू ए की जगह कितना थ्री एक्स और बी की जगह पे टू वाई प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पे टू वाई है तो टू वाई का होल स्क्वायर। बस इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो थ्री एक्स का होल स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व एक्स वाई प्लस टू वाई का होल स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी दोनों जब प्लस में रहेगा, ठीक है, एक्सप्रेशन जब दोनों प्लस में दिया हुआ रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे का दूसरे आइडेंटिटी पर देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई। ठीक है, तो इस पर देखिए दोनों माइनस वाला में, ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो एक जगह पे थ्री एक्स स्क्वायर पूरा है, ठीक है, तो थ्री एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस टू फॉर्मूला से इंटू ए। तो ए की जगह पे थ्री एक्स स्क्वायर है तो थ्री एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, इंटू बी की जगह पे कितना है फोर वाई स्क्वायर, फोर वाई स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पे फोर वाई स्क्वायर है तो फोर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो थ्री एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो थ्री थ्री एक्स स्क्वायर का थ्री का स्क्वायर नाइन और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। हमने एक्सपोनेंट्स में बताया था जब किसी पावर का एक पावर जब रहता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, माइनस टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और वाई स्क्वायर का स्क्वायर टू इंटू टू
4, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दूसरे आइडेंटिटी जब रहेगा माइनस वाला में, दोनों जब माइनस रहेगा तो इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को बना सकते हैं। फिर देखिए तीसरा आइडेंटिटी है हमारा, तीसरा आइडेंटिटी पर क्वेश्चन देखते हैं। 5x² + 3y² / 4 5x² - 3y² / 4 ठीक है। तो हमारा तीसरा आइडेंटिटी है जिसको पहचाने कैसे, कौन सा फॉर्मूला भी बनेगा। तो देखिए एक हमारा प्लस में दिया हुआ है ठीक है, और एक हमारा माइनस में, सेम नंबर है, सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने सोचेगा कि इस फॉर्मूला बनाए ठीक है। देखिए इधर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे ए तो यहाँ भी ए, यहाँ बी तो यहाँ बी, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बनाएंगे ठीक है। तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा पूरा बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, इसी पर ये रखा हुआ 5x² यहाँ भी तो यहाँ भी, 3y² / 4 यहाँ भी तो यहाँ भी, सिर्फ प्लस है तो माइनस हो गया। तो इससे पता चलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बनेगा ठीक है। तो ए स्क्वायर तो एक जगह कितना है 5x², तो 5x² का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना 3y² / 4 3y² / 4 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्यूशन कीजिए, 5x² का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, x² का स्क्वायर x का पावर 4 माइनस 3y² का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और y² का स्क्वायर y का पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जब आइडेंटिटी जब तीनों तरफ रहेंगे, इस पर एक और क्वेश्चन बताते हैं ठीक है। इसमें अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। तो एक क्वेश्चन है हमारा 2a + 3yb × 2a - 3yb इस तरह से। तो देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ यही क्वेश्चन यहाँ पे ये रिपीट हुआ है, मतलब ये प्लस में सिर्फ ये माइनस में है। तो आप क्या करें, इसी फॉर्मूला बनेगा a² - b² तो a के यहाँ पे पूरा ये हो गया और b के यहाँ पे पूरा हो गया। तो a² तो a के जब कितना 2a है तो 2a² - b², तो b के यहाँ पे 3yb है तो 3yb² सॉल्यूशन 2a² 4a² - 3² 9 और b² तो इस तरह से क्वेश्चन का हम लोग फाइंड करेंगे जब तीनों आइडेंटिटी जब इस तरह से हो रहेंगे ठीक है। तीनों आइडेंटिटी बहुत अलग है ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसी आइडेंटिटी का यूज करके एक स्पेशल क्वेश्चन लाते हैं ठीक है। उस स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक इसको आप लोग फाइंड करिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन को देखते हैं, सारे आइडेंटिटी उसमें यूज किए जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 47 का स्क्वायर, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हमने बचपन जैसे पढ़े थे उस तरह से नहीं करना, 47 को 2 times लिखकर मल्टीप्लाई कर आंसर फाइंड करना, उस तरह से नहीं करना। हम लोग अब स्टैंडर्ड में पहुंच गए क्लास 8 में, तो हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन को स्पेशल तरीके से सीखेंगे ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए इसको समझने का ठीक है। तो 47 है यहाँ पे, तो समझिए 47 किसके करीब में है, किसके नजदीक में, 50 के नजदीक में। देखिए 50 के नजदीक में 47 है ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 50 - 3 का स्क्वायर। देखिए 50 में से 3 सबट्रैक्ट कीजिए तो 47 आ जाएगा, इस पर स्क्वायर दिया हुआ था तो स्क्वायर दे दिए। अब ये देखिए इस पर अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस वाला है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b² तो इस पर पुट कीजिए। तो एक जगह कितना 50 है, बी के जगह पे 3 है, तो ए स्क्वायर होता है पहला, तो एक जगह कितना 50 है, तो 50 का स्क्वायर माइनस 2 a × b, तो a के यहाँ पे 50 है और b के यहाँ पे 3 है प्लस b², तो b के यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 2 × 5 = 50 कितना हो जाएगा 100 × 3 = 300 और प्लस 9, इसको आप लोग ऐड करिएगा तो आएगा इतना में से 300 सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस रहेंगे 47 का स्क्वायर तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके बना सकते हैं, और साइड में जिस फॉर्मूला का यूज होगा उसको दर्शा दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे, ठीक है। तो देखिए 99 का स्क्वायर है तो सोचिए किसके करीब है, सबसे नजदीक है किसका, किस कौन से नंबर के नजदीक है, 100 के नजदीक में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1 का स्क्वायर
100 में से 1 सबट्रैक्ट किया 99 है, स्क्वायर दिया होता स्क्वायर, जिस वजह से इसको फाइंड किया a माइनस b का होल स्क्वायर पे, तो ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे 100 है और b की जगह पे 1 है प्लस 1 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करेगा तो 1 पर 4 टाइम्स 0 माइनस 2 इंटू 100 200 और 200 1 से मल्टीप्लाई की 200 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको जो ऐड और सबट्रैक्ट करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट वाला डेसिमल जो क्वेश्चन जब रहेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो 8.3 इंटू 7.7, इस तरह से जब क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें देखा जाता है जो सबसे बड़ा नंबर है 8.3 बड़ा है कि 7.7 बड़ा है, 8.3 बड़ा है तो 8.3 अगर लेते हैं, ठीक है, तो 8.3 किसके नजदीक है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए लिख सकते हैं 8 प्लस 0.3, यानी 8 से वो 0.3 ज्यादा है, ठीक है, और उसी नंबर को देखिए 7.7 है तो 8.8 से ये 0.3 कम है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 माइनस 0.3, ठीक है, यानी 8 में 0.3 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा और 8 में 0.3 सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये आ जाएगा। तो इससे जब मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन रहते हैं तो यहाँ पे हमेशा एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा, तो देखिए एक फॉर्मूला आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने जाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे है, ये जो नंबर यहाँ पे वही यहाँ पे है, सिर्फ प्लस है तो माइनस हो गया, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह कितना 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 0.3 है तो 0.3 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 0.3 का स्क्वायर 0.09, इसको जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो आप लोग लिख दीजिए 63.91 आएगा, 63.91। तीसरे से जब डेसिमल वाले क्वेश्चन रहते हैं जिसको फाइंड करेंगे, एक बार क्वेश्चन है हमारा डेसिमल वाला 14.7 इंटू 15.3, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है 15.3, तो इसमें 50 से कितना ज्यादा है 0.3, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से 50 प्लस 50 माइनस, इसको 0.3 सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.3 इंटू 50 प्लस 0.3, यानी 15 में 0.3 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 14.7 आ जाएगा और 15 में 0.3 ऐड करिएगा तो 15.3 आ जाएगा। इस तरह से इसको पुट करना है कि जो पुट किए हैं तो इस रूप में होना चाहिए तभी हम सेटिस्फाई हो सकता है। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी फॉर्मूला का यूज होगा, तो ए स्क्वायर, तो ए की जहाँ पे 15 है तो 15 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जहाँ पे 0.3 है तो 0.3 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 0.09, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, आप लोग सेपरेट करके निकाल लीजिएगा, तीसरा जब क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक जहां पे पूरा ए है और ये पूरा b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको इस पे पुट कीजिए तो 82 प्लस 18 और 82 माइनस 18, ये a हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रा फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो ए की जहाँ पे 82 है 82 प्लस बी की जहाँ पे 18 है तो 18 और ए माइनस बी, तो 82 माइनस 18, 82 में 18 ऐड करिएगा तो 100 आएगा, ठीक है, इंटू 82 में 18 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 64, ठीक है 64 आया, तो 64 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 64 100। इस तरह से जब क्वेश्चंस रहेंगे तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग इसे उतारिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से आप क्वेश्चन रहेंगे तो क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा फिर 96 से डिवाइड कीजिएगा, तो उतना लंबा प्रोसेस हम लोग को नहीं करना, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए 198 दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है, मतलब दो बार यही नंबर 198 into 198, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 198 का स्क्वायर, यानी जितना बार स्क्वायर रहता है उसको उतना ही बार लिखा जाता है, तो 198 का स्क्वायर लिख दिए माइनस, फिर देखिए 102 दो बार है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 102 का स्क्वायर बाई 96। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा को पढ़िए ए और ये पूरा को पढ़िए बी, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला भी हमने जाना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए के यहाँ पे 198 है
प्लस बी, तो बी के यहाँ पे 102 है, इंटू ए माइनस बी, तो 198 माइनस 102 बाई 96। मतलब हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे मैथ में दिया हुआ था लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसीलिए हमने इस तरह से इसको फाइंड किया। ठीक है, लास्ट में डिनोमिनेटर 96 है। अब 198 और 102 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 300 इंटू 198 और 102 सबट्रैक्ट कीजिए, चलिए सबट्रैक्ट कीजिए, 102 सबट्रैक्ट कीजिए, 8 × 2 = 690 यानी 96 आएगा। ठीक है, तो इंटू 96 बाई 96, देखिए 96 से 96 कट हो गया तो बचा हमारा 300, तो 300 हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान से ये बन गया। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस रहेंगे तो आप फॉर्मूले की मदद से बनाइएगा, ना कि आपको जो मल्टीप्लाई कर सबट्रैक्ट करके, इस तरह से नहीं। इस तरह जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो आप लोग क्या करिएगा, जितने भी तीन आइडेंटिटी बताए हैं उसका यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक्सप्रेशन जब दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ई एफ हो गया जी, बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, क्या है एक्सप्रेशन हमारा 36x² प्लस 25y² माइनस 60xy, और क्या बोला कि वेन एक्स इजकल टू 2/3, वेन एक्स इजकल टू 2/3 एंड वाई इज इक्वल टू 1/5। तो हमने 6-7 में क्या पढ़ा था, जितने भी सारे एक्सप्रेशन जब दिए हुए रहेंगे तो जो वैल्यू जो है उसको पुट करने के लिए यहाँ पे, लेकिन अब हम लोग ये पुट करने के लिए नहीं सीखेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखिए हम यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन, 36x² प्लस 25y² माइनस 60xy, इसको आइडेंटिटी में तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं और x स्क्वायर को x लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक, प्लस ये देखिए 25 है तो 25 को इस तरह से लिख सकते हैं हम, 5y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 60xy है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस वाला था, आप सोचिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab जो रहता है वो माइनस में रहता है। देखिए यहाँ पे 2ab यानी a और b का मल्टीपल है यहाँ पे, तो देखिए माइनस में है तो यहाँ पे माइनस 2 लिखिए, ठीक है, फॉर्मूले की मदद से, और a है एक्स वाई है तो a के जगह पे क्या होता था, यही वाला a और यही वाला b मल्टीप्लाई होकर, तो यहाँ पे a के जगह पे कितना लिए थे हम, 6x, तो इंटू 6x इंटू b के जगह पे 5y, तो 5y, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 6 = 12, 12 × 5 देखिए 60, और x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, तो इतना बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूला पे हम तोड़े, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो जितने भी आइडेंटिटी होते सब क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होता है, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इस तरह में लिखा हुआ है, इसको इस तरह में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के यहाँ पे 6x है माइनस बी के यहाँ पे 5y है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू दिया हुआ था, x का वैल्यू 2/3 यहाँ पे पुट कीजिए, y का वैल्यू 1/5 इसको पुट कीजिए और फिर आंसर आ जाएगा, तो 6 इंटू x का वैल्यू कितना है 2/3 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू 1/5 और इसका होल स्क्वायर था, तो देखिए 3 से 6 2 टाइम्स, 5 से 5 1 टाइम्स, तो यहाँ कितना होता है 2 × 2 = 4 माइनस 1 × 1 = 1 और इसका होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 1 सबट्रैक्ट कीजिए कितना 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। तीस तरह से जब क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट नहीं करना, शुरू में पुट नहीं करना, पहले उसको स्पेशल आइडेंटिटी का यूज करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और लास्ट में इस वैल्यू का पुट करेंगे। देखिए कितना आसानी से हम लोग पुट किए, लास्ट में तो आंसर हमारा आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस क्षेत्र का 2-3 क्वेश्चन और है, इसको आप लोग उतारिए। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, दिया क्या होगा, तो x प्लस 1/x = 4 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू किसका निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो जो जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जिसमें
देखिए तीन फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, यही दोनों का यूज इसमें करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है और इसका होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे ध्यान से ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी क्वेश्चन कौन सा पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ए भी प्लस में है बी भी प्लस में है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो प्लस में, तो सारा देखिए प्लस वाला है, तो प्लस वाला ही यूज करेंगे। यहाँ पे अगर एक्स बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स रहता तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारा प्लस में दिया हुआ है तो प्लस वाला फॉर्मूला की मदद से हम लोग यूज करेंगे। तो बनाना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारा पूछा है कि स्क्वायर इसमें, ठीक है, इसमें स्क्वायर होना चाहिए और इसमें भी स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या करेंगे आप, इसमें स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर करिए, इधर फोर इधर इधर भी फोर का स्क्वायर, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर, तो एक यहाँ पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, टू एक यहाँ पे यही वाला ए रहता है यही वाला बी रहता है, तो एक यहाँ पे एक्स है और बी के यहाँ पे वन बाई एक्स है प्लस बी स्क्वायर, तो बी के यहाँ पे वन बाई एक्स है तो वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और देखिए एक्स से एक्स कट हो गया तो यहाँ बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सिर्फ टू बचा प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फालतू कौन बचा, दो, तो दो को उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन, प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू, तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना आ गया 14, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसी का दूसरा पूछा है, एक्स का पावर फोर प्लस वन बाई एक्स का पावर फोर, मतलब यहाँ पे देखिए पावर फोर पूछा है, तो यहाँ पे इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसी की मदद से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे दो और यहाँ पे भी दो है, लेकिन क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, उस पर पावर फोर है, तो सोचिए एक्स स्क्वायर का फिर से अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो एक्स का पावर फोर आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी में चलेंगे, ठीक है, इसी में इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसी में फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो उस पर हम पहुंच जाएंगे। तो मतलब पावर वाला फोर निकालने के लिए पहले इसको फाइंड करना लगेगा, क्वेश्चन ये ना देखे ये दिया हुआ रहेगा तो पहले आप लोग ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये निकल सकता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो निकालते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर करना है और इधर फोर्टीन का स्क्वायर, तो ये फिर से हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर, तो ए के जब कितना एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी पावर का भी पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स का पावर फोर बन जाएगा, तो एक्स का पावर फोर प्लस क्या होता है टू ए बी, तो टू अब फॉर्मूला से और ए बी यानी ए यही वाला रहता है यही वाला बी रहता है, तो एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखिए और बी के यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर है तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर है तो वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करिए, देखिए वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करिएगा तो वन का स्क्वायर वन और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर का ही पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स का पावर फोर, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, ठीक है, तो यहाँ और इधर 14 का स्क्वायर करिए तो 196, तो ये हमारा हो गया एक्स का पावर फोर प्लस यहाँ सिर्फ दो बचा प्लस वन बाई एक्स का पावर फोर इज इक्वल टू 196, ये दो उधर भेज दीजिए, एक्स का पावर फोर प्लस वन बाई एक्स का पावर फोर 196 माइनस टू, तो आंसर कितना है 194, तो दोनों क्वेश्चन फाइंड हो गया। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस रहेंगे तो इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जब माइनस वाला क्वेश्चन जब रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा और दोनों में प्लस वाला क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको उतारिए, स्टार्ट करें, रुकल नहीं ना था, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग क्या एक ऐसा क्वेश्चन इस तरह जब रहेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 14, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों पूछ रहा है, तो दोनों में एक ही आइडेंटिटी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो पहचानेंगे कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है और वहां भी प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है,
तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए प्लस बी स्क्वायर यानी यहाँ भी प्लस, दोनों में अंतर सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे सिर्फ माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला। तो दोनों को हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर टिबल दिया, लेकिन पूछ रहा कौन कौन क्या पूछ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब दोनों में स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें भी स्क्वायरिंग बूथ साइड करेंगे, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टूवेल्व का स्क्वायर, और दिया हुआ एक्स वाई स्क्वायर 14 दिया हुआ, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी ना, तो ए की जगह कितना एक्स है और बी की जगह पे वाई है प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टूवेल्व का स्क्वायर 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ, एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना 14 है, तो 2 इंटू 14 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 कितना 28 और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 का इसका और ये वैल्यू पूछा था, इसमें 28 फालतू उसको उधर सेंड कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 28 एंड इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 116 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसी का अपोजिट जब माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो माइनस वाला फॉर्मूला स्क्वायरिंग बूथ साइड इसमें भी करेंगे, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। यहाँ भी x इंटू वाई कितना 9 दिया हुआ है, तो पुट करिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये माइनस 18 उधर जाएगा तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49, माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस 18, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 67। तीसरे से जब क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट, ठीक है, 2 मिनट में खत्म होने वाला है ये हमारा टॉपिक, तो इसको आप लोग उतारिएगा, ठीक है। हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, जब कोई प्रोडक्ट जब कंटिन्यू रहेगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसा कंटिन्यू, देखिए x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन सारा कंटिन्यू आते जा रहा है, जिसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो आप लोग आसानी से समझिएगा। देखिए इतना दूर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस बी इसको समझिए नहीं है, ठीक है। तो इतना दूर देखिए ये जो टर्म है वही टर्म है, यहाँ पे सिर्फ प्लस है तो माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सोचिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यही टर्म। तो इन दोनों के जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए आप ए स्क्वायर तो ए की जगह कितना एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फिर बी की जगह वन है तो माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिया हुआ था इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वन का स्क्वायर वन ही होता है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिए। और फिर से देखिए यही टर्म यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं तो वन है, सिर्फ माइनस है तो प्लस, तो कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह कितना हो गया एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर तो बी के यहाँ पे वन है तो वन का स्क्वायर वन ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन स्क्वायर का पावर का पावर तो एक्स का पावर 4 माइनस 1। तो इस तरह से क्वेश्चन जब रहेंगे कंटिन्यू प्रोडक्ट में तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको छोड़ दीजिए, फिर देखिए यहाँ पे वही टर्म है, यहाँ पे 2p प्लस 3 यहाँ पे 2p माइनस 3 है, सेम टर्म सिर्फ प्लस है तो माइनस है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक यहाँ पे 2p है तो 2p का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, और इसको ये लिख दीजिए 4p स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए 2p स्क्वायर 2p का स्क्वायर 2p का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और पी स्क्वायर का पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे जो दिया हुआ था 4p स्क्वायर प्लस 9। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये पूरा ए हो गया ये पूरा बी हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो देखिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी जो टर्म यहाँ पे वही टर्म यहाँ पे सिर्फ माइनस है तो प्लस बन गया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह कितना 4p स्क्वायर है तो 4p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 9 है
तो 9 का स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और p स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p का पावर 4 और माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जब बुक में दिए हुए रहेंगे तो आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। आज का ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बुक में जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे आरएस अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी, तो जो भी बुक आप लोग के पास होगा उसको आप लोग जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।